तो बताइए किस तरह का स्टाइल चाहती हैं? तुम कैसा स्टाइल करना जानती हो? जो आप कहें मैं एक्सपर्ट हूँ। दरअसल मैं चोंग डाम डोंग की जानी मानी स्टाइलिस्ट हुआ करती थी। सुनो मिस ऑन, बताओ क्या चल रहा है? हाँ, कहानी में ऐसा ट्विस्ट तो मैंने किसी फिल्म में भी नहीं देखा। देखो हाथों से पसीना निकल रहा है। अरे मैंने सुना वो चुड़ैल तुम्हारे सामने ऐसे आकर खड़ी हो गई थी। ऐसा तो किसी फिल्म में या फिर किसी सीरियल में ही होता है। ऐसी कहानियों का डीएन भी मजेदार होता है। तो बताओ ना क्या हुआ? बोलो। तुम लोग ना बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ। मैंने ये भी सुना है कि हेन की माँ पूरी पागल है। ये क्या बकवास कर रही हो? ये सब कहाँ से सुनकर आते हो तुम लोग? जाओ यहाँ से, जाओ। अरे क्या कर रही हो? मैं सब कुछ जानती हूँ, मेरे पति ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने सुना है गाड़ी से उतरती उसका पैर गोबर में पड़ गया और वो जोर जोर से रोने लगी। मजा ही आ गया, गाड़ी से उतरी और सीधा पैर गोबर पे पड़ गया। एक बात तो हुई, तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उस औरत ने उन्हें कितना कुछ सुनाया। सही कहा। सुना है पूरा परिवार सड़क पर आ गया और रातों रात यहाँ आ गया। तुम्हारी माँ तो फंस गई, उनकी देखभाल उन्हें ही करनी पड़ेगी ना, जबकि उनसे कोई रिश्ता भी नहीं रहा। हाँ, मैंने न्यूज में सुना उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। वैसे भी वो औरत कितनी मुँह फट है, उसके मुकाबले तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा प्यारी है। हाँ है ना? पता नहीं वो औरत कैसी है। तुम लोगों को इतना सब बोल दिया फिर भी बेशर्मों की तरह यहाँ पर आ गई। हम तो कभी ऐसा नहीं करते। सही कहा। मिस ऑन, मैं ना उस औरत का चेहरा एक बार देखना चाहती हूँ। अरे चुप हो जाओ। क्या हुआ? हाँ? कुछ लगा है क्या होटो पर? बोल क्यों नहीं रही? लो देख लो, मेरा चेहरा देखना चाहते थे ना, अच्छे से देख लो। अभी हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सड़क पर आ गए हैं। हम रातों रात गायब नहीं हुए, बल्कि जब यहाँ पहुँचे तो रात हो चुकी थी। हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। और ये लोग हमारे साथ फंसे नहीं हैं। समझ में आया तुम्हें? हाँ। इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? सुनिए सुनिए, रुकिए। अरे सुनिए, आपने तो नाश्ता भी नहीं किया। मैं बस वो दोपहर का खाना ले जा रही थी। आज ठंडे सोयाबीन सूप नूडल्स बहुत अच्छे बने हैं, थोड़ा लेना चाहेंगी?